Index numbers. Index numbers basically they are that values or the numbers that we assign to certain bundle of the commodities or to certain group of the commodities or that can be assigned to any other monetary values or can be assigned to any other features of the economy. अब इसके पीछे अगर हम देखें तो इंडेक्स नंबर असाइन करने का या यूटिलाइज़ करने का डेफिनेटली कोई पर्पस होना चाहिए मेन पर्पस बिहाइंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडेक्स नंबर इज़ जस्ट टू प्रोवाइड आ वैल्यू और वो वैल्यू किस काम आए कि वो दो बंडल दो ग्रुप के मैग्नीट्यूट को कंपेयर कर सकें तो हम उसको वो एक जिसको अगर हम कहें उस मैग्नीटूड को एक नंबर के ज़रिए एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि हम दो को आपस में कंपेयर कर सकें और ना सिर्फ हम कंपेयर कर सकें हम ये चेक कर सकें उस कंपैरिजन के नतीजे में कि चेंज कहाँ पर आई है आइदर चेंज इंक्रीज की फॉर्म में होगी या चेंज डिक्रीज की फॉर्म में होगी तो द प्रोसेस टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ़ मईरिंग द चेंज इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर द टाइम और अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स दैट इज बेसिकली द इंडेक्स नंबर अब अगर हम देखें तो कन्ज़म्पन के अंदर इंडेक्स नंबर का रोल कहाँ पर आता है तो अगर हम देखें तो कंजम्पन को आज भी कंज्यूमर मार्केट में जाएगा तो वह कुछ चीज़ों की खरीदारी करेगा वो कल मार्केट गया था उसने कल भी ख़रीदारी की वो पिछले साल भी अपने घर के लिए कुछ चीज़ें खरीद रहा था और इसी में अगर हम देखें तो फ्यूचर के बारे में उसको कुछ फ़ैसले लेने होते हैं अपनी सेविंग के बारे में अपनी कंजम्पशन को देखते हुए या जब वो बजट बना रहा होता है अपने घर का तो वो हिसाब लगा रहा होता है कि अगले हफ्ते में इतने अखराज हो अगले महीने में इतने अखराजात होने हैं तो इन सीनारी को अगर हम देखें तो एक कंज्यूमर हाउस होल्ड का ओनर हो या कोई भी ऐसा या आपको अगर जैसे आपके वालदन कहते हैं कि मार्केट से ये चीज़ें खरीद वो तो कोई भी हो सकता है बट वो जिसने डिसीजन लेना है एक्सपेंडिचर्स का सेविंग का कंजम्पशन का उसको मुख्तलिफ अवत में मुख्तलिफ कंजम्पशन के बंडल्स का सामना रहे अब ये वाली सूरत हाल का मतलब है कि वो आज और प्रीवियस का कंपैरिजन कर सकता है या आज और फ्यूचर का कंपैरिजन भी कर सकता है और वहाँ से असेसमेंट कर सकता है तो जब भी इन चीज़ों का कंपैरिजन या करना होगा तो उनको जो कोई एक वैल्यू या एक इंटीगर हम जो अटैच करेंगे तो यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं इसको मैक्रो लेवल की हम बात करें तो जब हम एक इकॉनमी एक रीजन के अंदर मौजूद तमाम सार्फिन को इकट्ठा करके उनकी सारी कंजम्पशन को इकट्ठा कर लें तो हम कह सकते हैं कि तमाम अखराजा आज पाकिस्तान के सार्फिन के कितने हैं उनके आने वाले हफ्ते में कितने होंगे और या हम कहें कि पिछले हफ्ते में कितने थे जैसे आज कल आप बार बार अपने पेट्रोल की कीमतों या एनर्जी की प्राइसिस का कंपेरिजन करते हैं तो हम यही हिसाब लगाते हैं कि आज उतना ही पेट्रोल लेने के लिए मुझे इतने पैसे लग रहे हैं और यही पेट्रोल ख़रीदने में पिछले हफ्ते मेरे अखराजात इतने थे तो यही कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कंज्यूमर को डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर अगर देखना है तो इस एग्ज़ाम्पल में अगर हम एनालिसिस में जाएं तो अगर हम देखते हैं कि कंज्यूमर दो पीरियड्स के ऊपर टाइम फ्रेम्स के ऊपर असेसमेंट कर रहा है जिसमें अगर हम देखें तो बेस पीरियड एक पीरियड हो गया हमारे पास जिसको हमने बी से नोटेशन दी है और उस पीरियड के अंदर जो बास्केट है उसकी कमोडिटीज़ की या गुड्स की अगर हम सपोज करें उसके पास बंडल्स में दो कमोडिटीज़ हैं यानी एक्स वन और एक्स टू अब उसकी इन दो कमोडिटीज़ की बेस पीरियड की प्राइसेस जो हैं वो डिफ़रेंट हो सकती हैं जिसको हमने नोटेशन दी कि वो प्राइस बी पीरियड की वन और एक्स टू के लिए प्राइस पी बी टू है और उसी तरीके से वो वाली मकदार या मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी जो उसने बेस पीरियड में ख़रीदी उसको हम कहेंगे कि दैट विल बी एक्स बी वन और एक्स बी टू अब यही कमोडिटीज अगर वो किसी और टाइम फ्रेम में वो कल परसों आगे या किसी भी और टाइम में वो जब भी ख़रीद कर रहा है जो कि बेस पीरियड से अहेड का टाइम है तो हम उन्हीं कमोडिटीज़ को फिर कहेंगे कि वो एक्स वन टी की कमोडिटी है और एक्स टी टू की कमोडिटी का कम्बिनेशन हो गया और उनसे परटेनिंग उसी तरीके से जो उसकी प्राइस है एक्स वन की वो टाइम टी में जा के टी वन हो जाएगी और टाइम और कमोडिटी एक्स टू की प्राइस पी टी टू हो जाएगी अब अगर हम देखें तो यानी दो कमोडिटीज़ की दो अकाइयाँ हैं जो उन्होंने कल ख़रीदी कंज्यूमर ने और उसकी वो दो दोयाँ हैं जो उन्होंने किसी आने वाले मरहले में या उस पिछले टाइम के बाद खरीदी अब अगर हम इन दोनों बंडल्स को वेटेज दे दें और उसमें हम कहें कि एक वेटेज वो है जिसमें हम कहते हैं कि वो वाली कमोडिटी जो उसने पहले टाइम में ख़रीदी थी और जो कमोडिटी को अगला में देखें तो अगर हम उनको दें दो वेट एक है डब्ल्यू वन का वेट और एक है डब्ल्यू टू का वेट डब्ल्यू वन का वेट हम कमोडिटी एक्स वन के लिए दे रहे हैं और डब्ल्यू टू का वेट जो है वो हम कमोडिटी टू के लिए दे रहे हैं तो अब अगर हम देखते हैं कि ये डब्ल्यू वन का वेट टाइम टी में है और उसी तरीके से उसी का डब्ल्यू वन ही वेट टाइम पी में है और उसी तरह टाइम टी में कमोडिटी एक्स टू का वेट डब्ल्यू टू है और उसी तरीके से है तो अगर हम अब देखें तो यहाँ पे दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं दैट इज कॉल्ड आईक्यू और या जिसको हम कहें ये क्वांटिटी का इंडेक्स कहलाएगा तो अब इसमें जो वाजिया फर्क हमारे सामने आएगा वो सिर्फ अगर देखें तो ये डब्ल्यू टू विल बी कॉमन एंड दिस डब्ल्यू वन वेट विल बी कॉमन और जो उसके अलावा जो चीज़ डिफरेंट रह गई वो रह जाएगी बेस पीरियड और टी पीरियड के दरमियान एक्चुअली द मैग्नीटूड ऑफ द क्वान्टिटीज तो कल की अशिया के मुकाबले में आज कितनी खरीद हुई या आज के मुकाबले में फ्यूचर में कितनी खरीद होगी तो दैट विल बी द कंपेरिजन ऑफ द इंडेक्स तो अब अगर इसमें आई क्यू जिसको हमने कहा है कि इंडेक्स ऑफ द क्वांटिटी अगर ये ग्रेटर देन वन होगा तो वी विल गिव द नोटेशन ऑफ आई क्यू इज़ ग्रेटर देन वन तो इसका मतलब होगा कि बेस पीरियड के मुकाबले में सारफ़ के पास जो कम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं और अगर ये आई क्यू लेस देन वन आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि सारफ जो है वो आज के मुकाबले में प्रीवियस पीरियड में वर्स ऑफ था और आज वो उनसे वेल ऑफ़ है और अगर फ्यूचर के हवाले से हम कहेंगे तो चूंकि आई क्यू इज़ लेस देन वन आ रहा है जो कि टी के लिए तो हम कहेंगे कि कल के मुकाबले में सारफ जो है वो आज कम वेल ऑफ है या फ्यूचर में वो आज के मुकाबले में कम वेल ऑफ अब इसी इंडेक्स को जहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था उसमें से ये जो वेटेज हैं W1 और W2 का इस वेट को अगर हम अब सब्सिट्यूट कर दें तो अब कैसे कि T पीरियड की प्राइसेज अलहदा हैं हमारे पास और उसी तरह B पीरियड की प्राइसेस हमारे पास अलहदा हैं तो अगर उस पूरी इक्वेशन को एक दफ़ा हम आज की प्राइसेस के साथ कर दें जिसमें हम तय कर लें कि हमारे पास एक बेस पीरियड है और एक टी पीरियड है तो उस पूरी इक्वेशन को W1 और W2 को हमने एक दफा दोनों वेट्स को एक ही प्राइस के साथ सब्सिट्यूट कर दिया जिसमें अगर हम इसी इक्वेशन में देखें तो हमने W1 की जगह पे उनकी रेलिवेंट प्राइस P1 रख दी लेकिन ये एक ही टाइम पीरियड और उसी तरह W2 की जगह पे हमने उसकी रेलिवेंट प्राइसेस P2 रख दी लेकिन एक ही टाइम पर रखी तो अगर ये टाइम टी के हवाले से रखेंगे जो कि फ्यूचर का टाइम कहलाएगा या करंट टाइम कहलाएगा जिसको अगर हम कहें तो दैट विल बी द दार्शे क्वांटिटी इन और उसी तरीके से अगर हम उन्हीं वेट्स को सब्सिट्यूट कर दें बेस पीरियड की प्राइसेस के साथ जो कि रेलिवेंट होंगी उन्हीं कमोडिटीज़ की बेस पीरियड की तो दैट विल बी द लेस पीयर्स क्वान्टिटी इंडेक्स तो बेसिकली वो उस इंडेक्स को अब अगर हम कंपेयर करना चाहेंगे तो हम देखना चाहेंगे प्रीवियस की क्वांटिटीज के हवाले से आज क्या फ़र्क पड़ा और या हम देखना चाहेंगे आज के मुकाबले में पिछली दफ़ा क्या हालात थे तो इन दो इंडेक्सेस के ज़रिए हम कंपैरिजन कर सकें अब अगर हम इस सिचुएशन में अगर हम देखें कि जिस तरीके से हमने पाचे इंडेक्स का जिक्र किया मैं दोबारा अगर आपके सामने रखूँ तो अगर हम देखें तो इसमें प्राइसेस आप देखें कि ये करंट पीरियड की हम ले रहे हैं टाइम टी तो इसीलिए अगर इसमें हम कहें कि अगर अब पार्शिया इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन वन हमारे सामने आ जाता है तो हम उसमें जस्ट उसको इक्वलिटी करने के लिए हम कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में अगर हम देखें तो हम अगर इसको मैं सपोज यहाँ पे वन रखूँ तो क्रॉस करते हुए वन थिंग विल बी ग्रेटर दूसरी साइड पे अगर हम ले आते हैं और इसमें अगर हम अब देखें कि सेम कमोडिटीज़ का कम्बिनेशन है फर्क कहीं पर भी नहीं है फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर ये बी पीरियड था उस कमोडिटी तो अगर हम कहें कि ये कंज्यूमर जो है वो टाइम टी में बेटर ऑफ है एज़ कंपेयर टू बेस प्राइस तो कंज्यूमर जो है वो सिलेक्ट कर सक वो इसी बंडल को वो अपने उस टाइम पे भी सिलेक्ट कर सकता था जब उसके पास बाकी बजट वगैरह अवेलेबल था और इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ पे देखें कि हमेशा वो लेस देन वन की कंडीशन को भी हम ले सकते हैं कि अगर लेस देन हो तो जिस तरीके से प्रीवियसली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर असेस कर लें तो अब ये ये शो करता है कि जो कंज्यूमर है उसने जो बंडल परचेज किया है वो प्रेफर किया है टाइम टी वाला और जब वो बी वाला जो बंडल था उसको वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो उसकी बंडल्स की रैंकिंग हमें मिल जाती है और पार्सल इंडेक्स अगर लेस देन वन आता है तो इसका मतलब है वो प्रीवियस के मुकाबले में आज वर्स ऑफ की कंडीशन में आ इसी तरह से क्वांटिटी इंडेक्स में अगर हम कहें कि जो लेस्पियर इंडेक्स है और लेस्पियर इंडेक्स को अगर मैं यहाँ पे दोबारा लेके जाऊँ तो अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास दोनों पीरियड्स में डिनोमिनेटर में जो है वो अगर हम देखें तो क्वांटिटी जो हैं वो बेस पीरियड की हैं और जो न्यूमिरेटर है उसमें टी पीरियड्स की क्वांटिटी और उसके साथ हैं अब उसी तरीके से जब लेसपियर के हवाले से हम देखें और अगर वो लेस देन वन आ जाए माइट बी ग्रेटर देन वन लेकिन अगर लेस देन वन हो तो उसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए हम अगर सॉल्व करें तो हम कहते हैं कि जो उसका बेस पीरियड का बंडल था क्वांटिटी थी वो उसकी प्रेफर्ड रहेगी एज़ कम्पेयर टू तो जो आज है तो द कंज्यूमर जो है वो टाइम पीरियड टी में यानी करंट टाइम में जो है वो बेटर ऑफ है एज कंपेयर टू द बेस पीरियड क्योंकि इसको वो अगर देखें वो वेटेज ज़्यादा दे रहा है या उसको तरजीह दे रहा है या ये उसकी प्रेफरेंस में है और अदर वन ग्रेटर देन वन है सो दीज इंडेक्स नंबर बेसिकली प्रोवाइड द वन स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक टू द कंज्यूमर टू द मार्केटर्स टू द इकोनमिस्ट To the policy level experts to assess the financial condition, to assess the purchasing power of the commodities, or to assess the total parity box that a consumer can have at various timings. Thank you.